तेईस मई है बड़ा ही खास, बूझो तो जाने मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे? बीटीडीडी स्पेस देकर अपना जवाब ए बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर एसएमएस कर दें 51818 पर। तीन लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। ओए गुरु भाभी जी, पाय लागू खटैक। ना हथियार से मिलते हैं ना अधिकार से मिलते हैं, दिलों पर कब्जे हुजूरे आला सिर्फ अच्छे व्यवहार से मिलते हैं। खटैक ठोको। मिमिक्री अपनी जगह, मगर मिमिक्री में मैंने जो लाइनें कही हैं भाभी जी, बहुत बड़ी लाइन है। मन कर रहा है कि ये बोलने के बाद शो बंद कर दूं, क्योंकि इससे बड़ी बात अब हो नहीं सकती। मगर आप लोगों ने टीवी शायरी सुनने के लिए तो ऑन नहीं किया ना, आप लोगों ने टीवी क्यों ऑन किया है? टेलीविजन इंडस्ट्री की स्पेशल खबरें सुनने के लिए, है ना? तो आइए ना, करते हैं मंडे की शुरुआत आज की स्पेशल खबरों के साथ। खटैक। मंदिर के दिए से लगी भवानी के पल्लू में आग। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। चंद्रकांता ने वीरेंद्र को किया तहखाने में कैद। सूरज की सच्चाई सुनकर चीख पड़ी चकोर। सूरज और नच बलिए का नंबर वन कॉल। सीरियल साथी माना साथिया में एक नई एंट्री होने वाली है, और ये एंट्री हो रही है रिक्की की दाई माँ की। और ये भी सुनने को आ रहा है कि जब ये सीरियल में आएंगी तो अपने साथ ढेर सारे ट्विस्ट भी लेके आएंगी। क्या बात है, बताओ यार, एक जमाने में जब लोग घर में आते थे तो फल फ्रूट लेके आते थे, मगर आजकल लोग ट्विस्ट लेके आ रहे हैं। कमाल यार। ब्रो, हाँ क्या है यार? ये ट्विस्ट वही होता है ना जो ब्रेड के बीच में ऐसे वो आलू की टिक्की रख के देते हैं। अबे उसे टोस्ट कहते हैं बे। अच्छा, मुझे पता नहीं था ना, तो मैं पूछू भी ना आप तुमसे। आप लोगों ने भी सुन लिया? देखो मुंह बना रहा है पागल, कुछ पता तो है नहीं एंकर बनने के लिए। बट साथिया में आजकल चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। एक तरफ मोदी हाउस में जग ही रहे हैं रिक्की को गिरा, तो वहीं भवानी को धर्म रहे हैं गोद में उठा। देखा, सही कहा था ना हमने। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा माजरा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जग्गी ने रिक्की को आखिर क्यों गिराया। दरअसल रिक्की कर रहे हैं अच्छा बनने का नाटक, जिसकी शुरुआत करते हैं वो पूजा करके। सुबह सुबह मंदिर में आरती गाकर सबको कर रहे हैं इम्प्रेस करने की कोशिश। और जब रिक्की जाते हैं जग्गी के पास, तो जग्गी सुनाते हैं रिक्की को दो चार खरी खोटी। अबे चतुर चंपक, तेरे पैर नहीं चल रहे, इसका मतलब नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तेरे हाथ और दिमाग बहुत अच्छे चल रहे, समझ गया? और हाथ मार कर देते हैं गिरा। और तभी वहाँ लेती है रिक्की की दाई माँ एंट्री, जिसने बचपन से सिंगापुर में रिक्की को पाल पोस कर बड़ा किया। अब आई है तो अब प्लान करना स्टार्ट करूंगा, मुझे पता नहीं था कि आने वाली है। अब आ गई है तो अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूंगा कि अब इन लोगों को वापस से कैसे इनको, आई मेक श्योर कि इनको कैसे हराया जाए वापस से। तो दादी मॉम के साथ में, दाई मॉम के साथ में बैठ के प्लानिंग करूंगा अच्छे से कि कैसे। भाई रिक्की के इरादे तो नेक नहीं लग रहे, इतना सब होने के बावजूद भी ये जनाब प्लानिंग की बात है कर रहे। मेरे स्टार्टिंग में सक्सेसफुल हो रहे थे प्लान, लेकिन उसके बाद मेरी वाट लग गई, मैं गटर में गिर गया, इधर चला गया, चौल चला गया। लेकिन आई होप कि अब दादी मॉम आ गई हैं, दाई मॉम आ गई हैं, तो सब अच्छा हो। तो वही दूसरी तरफ धर्म ने गोद में उठा लिया है भवानी को।
पूजा करते वक्त भवानी के पल्लू में लग जाती है आग। हालांकि ये सब भवानी की है चाल, लेकिन धर्म है इस चाल से अनजान। इसीलिए जब भवानी करती है बेहोश होने का नाटक, तो धर्म उठा लेते हैं भवानी को गोद में और चले जाते हैं वहां से लेकर। भवानी को गोद में तो उठा लिया है धर्म जी ने, और उन्होंने, मुझे लगा कि जेन्युइनली उसकी आग लग गई उसके दुपट्टे में, लेकिन इट वाज ऑल प्लान्ड एंड मारी आंख उसने मुझे फिर जब वो गोदी पे थी। ये सब देखकर मीरा का चढ़ जाता है पारा, लेकिन भवानी चल रही है एक के बाद एक खतरनाक चालें। और अब तो भवानी ने किया मीरा के कपड़े, गहने और कमरे पर कब्जा। जब मीरा पूछती है भवानी से सवाल, तो धर्म देते हैं उसका जवाब। जिस दिन तू हमें छोड़ के चली गई थी, उसी दिन से मैंने तुझे और हमारे रिश्ते को भुला दिया था, और मेरी पत्नी होने के नाते इस कमरे में रहने का और ये कपड़े और गहने पहनने का अधिकार सिर्फ तुमको है भवानी, सिर्फ तुमको। भवानी कर रही है ये सब जानबूझकर, क्योंकि उसे बढ़ानी है धर्म से नजदीकियां। पिछले दो दिन से जब से एंट्री हुई है, हाई वोल्टेज ड्रामा ही चल रहा है, हर सीन ड्रामा से भरा हुआ है। एंड अभी भी यही है, जो मेरी जो नई सौतन है, जो मेरी कभी माँ हुआ करती थी, उन्होंने डोरे डालना तो शुरू कर ही दिया था, अब कब्जा भी कर लिया है, तो नाटक करती हैं, आग लगा लेती हैं अपनी पल्लू पे, और यू नो ट्राइंग टू गेट क्लोज टू धर्म जी। तो कुल मिलाकर मोदी भवन और धर्म के घर में चल रहा है बड़ा ही दिलचस्प ड्रामा, जिसके चलते यहाँ रोज होता है कोई ना कोई हंगामा। लेकिन जब तक सीरियल में ट्विस्ट एंड टर्न्स का तड़का ना लगे, तो कहाँ आता है सीरियल देखने में मजा। पारस कुठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, मगर मेरे एक छोटे से सवाल का आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार, ये लड़कियों का दिमाग बनाया किसने है? भगवान तो नहीं हो सकते। सुबह सुबह की बात है, एक लड़की जिंदगी में पहली बार पेट्रोल पंप गई अपनी स्कूटी लेकर। वहां जाकर बोली, भैया एक्सक्यूज मी, भैया मेरी स्कूटी में 1 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए ना। वैसे एक बात तो बताइए, पेट्रोल है क्या रेट? वो बोला 70 रुपए। 70 रुपए? ओ माय गॉड, भैया सही से रेट लगा लो ना, बगल वाला तो 65 रुपए में दे रहा है। भुम, सही लगा लो ना, नहीं लगाओगे आग लग जाए तेरे पेट्रोल पंप पे। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे किया? गया चकोर का दिल, खत्म हो गया चकोर का विश्वास। जिसको चाहा दुनिया में सबसे ज्यादा, उसी ने दिया धोखा। तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? फिर क्यों तुमने हमें ऐसे अपराध की सजा दी जो अपराध हमने किया ही नहीं है? सूरज ही है इमली के होने वाले बच्चे का पिता। ये बात उसने अब तक चकोर से छिपाई, लेकिन ये सच्चाई ज्यादा दिन छिप ना पाई। प्यार के बिन बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। जी हाँ, आज सूरज ने चकोर के सारे सपने तोड़ दिए। जिस सूरज के लिए चकोर ने इतने सितम सहे, उसी सूरज ने दिया धोखा और कबूल कर लिया वो जिससे अब तक चकोर थी अनजान। क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा था और
उसने शराब पी हुई थी और उसने बताया चकोर को कि मैकेनिक ने अगले दिन आके तो देखा, तो उसी टाइम होश आया मुझे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ, नशे में हो गया सब। नशे की हालत में सूरज और इमली से वो गुनाह हो गया जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था, लेकिन सूरज की इस गलती से एक नहीं दो दो घर बर्बाद हो गए। सूरज ने अभी भी ये नहीं है, उसने जबरदस्ती की है। मैं कुछ कहना पहल उसने की। तुम पीछे पीछे कहाँ जा रही? मैंने कुछ सोचा है, इमली प्लस शराब प्लस कड़कती बिजलियां प्लस सुनसान रास्ता प्लस आउटडोर इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। यही वजह है कि चकोर ने अपना सारा गुस्सा निकाला इस कांच पर, जिसका एक टुकड़ा उसके पाँव में घुस गया। लेकिन सूरज का मरहम चकोर के टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ेगा? शायद उसकी माफी भी चकोर को ठीक नहीं कर सकती। नहीं, प्यार तो करते हैं पर अब जो हर्ट है वो ज्यादा है ना। हाँ, वो गलत हो जो भी हुआ है तो चकोर ऑब्वियसली ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसने बोल दिया है कि तुम जा सकते हो, नमस्ते। वेल, सूरज की गलती की सजा क्या होगी ये तो चकोर ही तय करेगी। चकोर चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी हमें तो यही लगता है कि इसमें भी कोई झोल है। सच्चाई जरूर कुछ और ही है। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। सीरियल जाट की जुगनी में मुन्नी जी को फाइनली होश आया, और होश आते ही मुन्नी जी और बिट्टू जी के बीच में रोमांस शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, एक छोटी सी बात बोलूंगा कि कहा जाता था कि इंसान जोश में होश खो बैठता है, मगर यहां तो होश आते ही इंसान के अंदर जोश आ गया। ये किसकी बात मानूं मैं यार, क्या चल क्या रहा है ये? एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। भाई आगे क्या हुआ ये तो सच में मत पूछिए, क्योंकि वो तो बयां कर रही है इन दोनों की नजदीकियां। पिट्टू को बचाने के लिए मुन्नी ने खाई थी खुद पर गोली और चली गई थी मौत के मुंह में। मुझे मत रोको, मुझे यार के। लेकिन आज जिसके लिए उसने डाली खतरे में जान, आज उसी ने बचाए हैं मुन्नी के प्राण। जी हाँ, बिट्टू ने दिया है मुन्नी को खून और एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्यार में है इनका दिल। वही बिट्टू के इस अपने पन को देखकर मुन्नी है हैरान कि क्या है ये प्यार का पैगाम। खून दिया है, खून की कमी हो गई है मैडम को, और नहीं खून दिया गया तो मैडम ऑफ हो जाएगी। सो मैं ऑफ नहीं होना चाहता, मैं ऑन रखना चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग माय ब्लड टू हर, ट्रांसफरिंग माय ब्लड टू हर। और क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जो बहुत रेयर है, और मतलब प्लेजेंट सरप्राइज कि कोइंसिडेंस है कि बिट्टू का ब्लड ग्रुप ही ओ नेगेटिव है तो वो उसे खून दे पाता है। वही मुन्नी के होश में आने के बाद घर वाले हैं काफी खुश, और वहीं भीम भी मांग रहा है अपनी गलती के लिए माफी। लेकिन अपने भाइयों के लिए मुन्नी ने लिया है एक प्रण कि वो बिट्टू से दूरी बनाकर ही लेगी दम। बहुत कुछ हो गया है मुन्नी की लाइफ में, और मुन्नी बहुत ही ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड है। बाबूजी से भी थोड़ी सी उसकी थोड़ा रूठना मनाना चल रहा है, तो इतना कुछ हुआ है वो सिर्फ बिट्टू के कारण हुआ है। मुन्नी की लाइफ में था क्या जब बिट्टू नहीं था? तो क्या था, कॉलेज जाती थी, घर आती प्यार थी। था बाबूजी का, क्या? भाइयों का, और बहुत लग्जरी थी। तुम्हारे साथ में बाहर निकली नंगे पैरों की, कुछ भी नहीं। Where was the excitement? तीन तीन बार मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ। और इसी के साथ बिट्टू हार गया है अपनी शर्त मुन्नी से,
जिसके बाद उसे देनी होगी एक कुर्बानी। तू क्योंकि शर्त हार गया है और मुन्नी ने पहले ही कहा था कि अगर तुम शर्त हार गए तो मैं तुम्हारा सर मुंडवा के मुंह काला करके गधे पर बिठाऊंगी और गधी भी मैं ही लेकर आऊंगी। तो अब ज्योति की शादी की जो बारात निकलेगी उसमें दो दो बारातें जाएंगी, एक पे विक्रम डॉक्टर साहब बैठेंगे और वो घोड़े पे बैठेंगे और ये गधी पर बैठेंगे। अब ये विस्फोटक कहानी क्या लेगी मोड़, क्या प्यार का होगा आगाज या बिट्टू छोड़ चला जाएगा अपनी मुन्नी का साथ। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई न्यूज 18 इंडिया। सीरियल चंद्रकांता में वीरेंद्र भैया को जेल हो गई है ठीक उसी तरह जैसे ये मुझे हुई है। तुम्हारी जेल किसने कराई? मेरे बॉस ने। क्यों? कल मैंने बॉस को बोला, मैंने कहा बॉस मैं कभी बार नहीं गया हूँ, मुझे बार घुमाओ ना, बस बार के नाम पे उन्होंने बिहाइंड द बार कर दिया मुझे। भाभी जी ये बात किसी को बोलना मत क्योंकि ये अंदर की बात है, ठीक है? अबे कोई बेल कराएगा हैं? अबे बेल अभी थोड़ी होगी। फिर कब होगी? जुलाई में होगी। क्यों? क्योंकि बेल का मौसम तो जुलाई में होता है ना। अब रहो अंदर मुंह बनाओ। बेड़ियों में जकड़ा, सलाखों में किया कैद। चंद्रकांता ने किया वीरेंद्र से बैर। चंद्रकांता जिस वीरेंद्र पर छिड़कती थी जान, आज वही हो गया चंद्रकांता के लिए गुनहगार। जी हाँ, आज विजयगढ़ के तहखाने में कैद है वीरेंद्र, क्योंकि चंद्रकांता के सामने आ गई वीरेंद्र की सच्चाई, जिसके बाद चंद्रकांता ने उसे ये सजा सुनाई। तुम्हारे दुश्मन मारीच का पुत्र है तुम्हारा अधिपति युवराज वीरेंद्र सिंह। चंद्रकांता के इस आदेश से टूट गया वीरेंद्र का दिल, इसीलिए गुस्से में वीरेंद्र ने बेड़ियां दी तोड़। रस हसरत गाने छोड़ दो, वैसे चंद्रकांता से भी नहीं देखा गया अपने प्यार को सलाखों के पीछे, इसीलिए तो कर दिया वीरेंद्र को आजाद। चंद्रकांता ने तो दे दी वीरेंद्र को आजादी, लेकिन चपला ने जाने से पहले पूछ ही लिया विश्वासघात की वजह, जिसका वीरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, लेकिन तिलिस्मी दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें जरूरत है चंद्रकांता की। वैसे इस ड्रामे के बाद वीरेंद्र को मिला चिल करने का मौका, जिसमें उसने हॉर्स राइडिंग कर किया अपना मूड हल्का। वीरेंद्र का किरदार ही कुछ ऐसा है कि वो हॉर्स राइडर है, और असल जिंदगी में भी मुझे यानी गौरव को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। मैं बचपन में करता था, मजा आ रहा है इस पे राइडिंग करके। इनफैक्ट मेरा पहला ओपनिंग शॉट जो था वीरेंद्र का, वो भी इसी घोड़े पे था, ब्लैक हॉर्स था मेरा, ब्लैक अटायर था। सो आज मौसम भी अच्छा है थोड़ा, तो मैं सोचा थोड़ी राइडिंग कर लूं। चलिए आपका दिल तो हो गया खुश, अब तो बस इस बात का है इंतजार कि कैसे होगी आप दोनों की दुनिया समाप्त। संजीव चौधरी के साथ नेहा पलखवाल, मुंबई न्यूज 18 इंडिया। सीरियल थपकी प्यार की है में कोसी जी ने एक नई चाल चली है, मतलब वो सबको ये बताना चाह रही है कि आर्यन जो है वो बिहान नहीं है, और इसके लिए वो आर्यन और थपकी जी की शादी करवाना चाहती है। बताइए एक छोटा सा भांडा फोड़ने के लिए इतना खर्चा। कोसी जी मैं आपको एक आदमी का नंबर देता हूँ, वो आजकल ना भांडा फोड़ने में कुछ ज्यादा ही स्पेशलिस्ट हो गए हैं भाई। मैं नंबर क्या, मैं उनका सिर्फ नाम बताता हूँ, आप खुद समझ जाइएगा। उनका नाम है कपिल मिश्रा। नमस्कार जी। वापस आया है। क्यों ना मतलब बेटा बिहार
फिर से शादी करवा दे। कोसी ने किया ऐसा गोलमाल, थपकी और आर्यन की जिंदगी में आ गया भूचाल। यही तो है कोसी देवी की चालाकी का कमाल। कल का मेरा बहुत शुभ है, लोगों का शादी करवा देंगे। मॉम डैड की शादी देखने का मौका बच्चों को कहाँ मिलता है, है ना कीना? जी हाँ, कोसी देवी कराना चाहती है थपकी और नकली बिहान यानी कि आर्यन की शादी, ताकि खुल जाए दोनों की पोल कि कर रहे हैं वो घर वालों से झोल। हमारी बहू थपकी, हमारा बेटा बिहान का शादी शुभ मुहूर्त में होगा। आर्यन और थपकी मिलकर बानी और टीना को खुश करने के लिए मैं बिहान बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ उन्होंने उस शक है उनको थोड़ा सा कि मुझ पे कि मैं शायद बिहान नहीं हूँ, तो उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने ये बम फोड़ा अभी। तो यहाँ एक लड़का ऑल ऑफ अ सडन आता है जो बिहान जैसा दिखता है, तो थपकी उसको बिहान कैसे बोल रही है, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो वो थपकी और इस नकली बिहान की शादी करवाएगी। उसी देवी को कहीं ना कहीं शक है कि ये कहीं दूसरी शक्ल का दूसरा इंसान तो नहीं है, तो वो तो हर चीज़ में ही शक करती है, हर चीज़ में ही प्रॉब्लम निकालती है, तो उन्होंने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी। अब कोसी की इस चाल के बाद थपकी और आर्यन की जिंदगी में भूचाल आना तो तय है, क्योंकि आर्यन उम्र में थपकी से काफी कम और थपकी भी अपने पति के रूप में बिहान के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं कर पाएगी, इसीलिए तो थपकी ने किया बीमार होने का ड्रामा ताकि टल सके शादी। क्या क्या बहाने बना रही हूँ मैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने क्योंकि अब घर वाले भी इतना एडमिट है कि हाँ हाँ हम तो चाहते हैं एक बार और शादी हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी बेटियों के मुंह से पापा पापा सुन रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन इतनी बड़ी आंटी से शादी करना, क्योंकि मैं एज आर्यन मैं भी काफी यंग हूँ, ये शादी तो खैर नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यस, थपकी से आर्यन की एज कम है। मगर कोसी के दिमाग का भी जवाब नहीं, एक ही झटके में पकड़ लिया झूठ और इस बात को साबित करने के लिए डॉक्टर को भी बुलवा लिया, जिसने थपकी को किया फिट घोषित। मेरे घर में नकली बन के आओ, और तो इसलिए अब या तो आर्यन अपनी असलियत बताए या तो वो थपकी के साथ शादी करे जो उसकी माँ की उम्र की है। उसी के पास ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई डिग्री ना हो लेकिन ब्रेन बहुत है, तो बस उसका इस्तेमाल करो और बस है ही शातिर, शी इज वेरी शार्प, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। थपकी जी, अब क्या करेंगी आप? अब तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आर्यन को ही बिहान मानकर शादी कर लीजिए या फिर घर वालों को सच्चाई बता दीजिए, आगे आपकी मर्जी। पारस कोठारी के साथ नेहा पलखवाल, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। मैं देश की सभी भाभियों को सचेत करना चाहता हूँ कि भाभी अगर ये जो भैया है ना आपसे प्यार भरी बातें कर रहे हो या फिर आपके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेके आए हो ना, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई साजिश है। अरे कुछ दिन पहले की बात है, हमारे गली में क्या हुआ, एक भैया ना अपनी वाइफ के लिए पान लेकर आए, बोले डार्लिंग ये देखो मैं तुम्हारे लिए पान लेकर आया हूँ। वाइफ खुश होगी, बोली ओ माय गॉड सोना जानू तुम मेरे लिए पान लेके आए हो, ओ माय गॉड आई लव यू, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। भैया बोले प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं जानबूझ के पान लेकर आया हूँ, कम से कम तुम कुछ देर तो चुप बैठोगी। हाँ मेरी आँखें भाभी जी के मोहल्ले में मचा बवाल। भैया सुनो सुनो सुनो, हप्पू सिंह ने ऐसा किया अनाउंसमेंट जिसने तिवारी जी और विभूति जी के उड़ा दिए होश। प्रशासन ने एक मजनू स्क्वाड बनाओ है गो, बाकी लाने का होगो कि आज के बाद अगर हमें कोनो भी मजनू कोनो भी महिला के साथ बदतमीजी कर तो भाव दिख गो, तो बस सारे को हम ऐसो गुलचे आएंगे, ऐसो गुलचे आएंगे कि सारे की सारी मजनू गिरी निकल जाएगी। सही लो जी, ये तो दरोगा हप्पू सिंह ने बहुत बड़ी बात कह दी।
अब कैसे लड़ाएंगे तिवारी और विभूति भाभियों संग इश्क, क्योंकि जो भी दिखाई देगा मजनूगिरी करता हुआ उसे सीधे खिलाई जाएगी हवालात की हवा। लेकिन हमारे तिवारी और विभूति इसका भी निकाल ही लेंगे कोई ना कोई हल। देखते हैं अब, हालांकि अनाउंसमेंट तो बुरी है हमारी, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि इसका पालन करते हुए भी पालन ना किया जाए। तो आगे हमको क्या देखने मिलेगा इसमें? इसमें सारे मजनू धर पकड़े जाएंगे और उसमें से हम कैसे बचेंगे ये हम देखेंगे। मजनुओं की खैर नहीं है। सुबह सुबह विभूति कर रहे थे अंगूरी भाभी के संग छेड़छाड़, और तभी हप्पू सिंह ने सुनाई ये मनहूस खबर, जिस पर अंगूरी और अनीता ने तो दे दी अपनी सहमति, लेकिन तिवारी और विभूति की शक्ल पर हवाइयां उड़ रही थी। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वरना अकेली औरतों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था। जहां औरत देखी नहीं, ये भवरों की तरह आसपास इनके मंडराते रहते। लगता है आज सेट पर मस्ती का है माहौल। कभी विभू कर रहे हैं स्कूटी पर से, तो कभी अंगूरी भाभी दे रही हैं राम प्यारी को रफ्तार। देखते हैं तिवारी और विभूति अब कैसे लड़ा पाते हैं भाभियों संग इश्क, क्योंकि इस बार तो हमें दिख रहा है काफी रिस्क। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। सीरियल स्वाभिमान में संध्या जी को शक है कि मेघना जी ने नंद किशोर जी का एक्सीडेंट करवाया है, और इस शक की वजह से वो मेघना जी के कमरे की तलाशी ले रही हैं। सीरियल स्वाभिमान में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि मेघना के खिलाफ सपोर्ट ढूंढने हैं ये है मासी माने थाना, और देखिए किस तरह से ये ले रही है कमरे की तलाशी, जिससे एक सबूत से ही वो खोल सके मेघना की जालसाजी। पिछले एपिसोड में कि मेघना ने किसी को फोन किया था एंटी करप्शन ब्यूरो में, अच्छा। और सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिया था। मासी माँ को शक हो गया है कि शायद ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है ये मेघना ने किया है, और बस इसलिए वो कमरे की तलाशी ले रही थी कि कुछ सुराग मिल जाए। अब वो पीछे पड़ी हुई है कि भाई कुछ तो ऐसा निकल जाए कि इनसे पंगे लेती रहती हूँ, बेसिकली शी हैज दैट आदत, वही कर रही थी, आदत से मजबूर। एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, हाँ। ये सब नहीं होगा तो शो आगे कैसे बढ़ेगा? पॉजिटिव ही रहेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, इट्स गुड टू बी बैड, वही। मासी माँ उधर चल रही थी चाल, पर नैना ने आकर दिया मेघना का साथ और कह दिया कि वो है हर हाल में अपनी बहन के साथ। वहीं इन सभी के बाद नैना के हाथ लगती है निर्मला माँ की वो चीज जो है उनके दिल के काफी करीब, जिसे वो दिखाती है कुणाल को भी। सुनिए खुद इन्हीं दोनों से कि आखिर क्या है ये खास चीज। डिग्रीज और मेडल्स थे, गोल्ड मेडल जो उनको गाने के लिए और सिंग क्लासिकल म्यूजिक और डांस भी करती, डांस नहीं क्लासिकल म्यूजिक करती है, नहीं वो डांस भी करती है। अब ये अब माँ ने बताया मुझे, रियल लाइफ बता रहे रियल लाइफ में रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेट जो इसने बताया कि वो गाना बहुत सुरीला गाती थी, उसके लिए इन्हें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले, मास्टर्स के। हाँ, तो वो मुझे अब पता चला यार मेरी माँ तो इतनी टैलेंटेड थी, उनका टैलेंट वेस्ट हो गया नंद किशोर के चक्कर में। अब कुणाल को हो गया है एहसास, तो क्या वो लाएगा माँ की चीजें माँ के पास? मेरी आंखें खोल दी, हाँ। So sweet, इसको खुद ही रियलाइज हुआ, खुद ही इसने कहा ये तो बहुत गलत हो गया मेरी तरफ से, हाँ। तो मुझे इन्होंने मेरी आज आंखें जो हैं वो खोल दी, तो अब मुझे समझ आ गया कि अब हमें क्या करना है। चलिए, मेघना ने दिया है आपका साथ, तो आप भी रहिए मेघना के साथ, क्योंकि दुश्मनों ने मेघना को हराने का लिया है ठान। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तो भाई इसी खबर के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले 1 करोड़ की बात। भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, मगर इंसानों की सिर्फ 1, और वो भी जिद्दी। पापा
ये मेरी फिल्म का नाम ले रहा है। इसको मैं भी बताता हूँ बेटे। सर मैं मजाक कर रहा था। बहुत मजाक कर रहे हो। ब्रेक लो ना यार, क्यों आप लोग हंस रहे हो, ये ब्रेक लीजिए। बड़ा ही खास, बूझो तो जाने मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे? BTDD स्पेस देकर अपना जवाब ए बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर SMS कर दें 51818 पर। 3 लकी विजेता जीतेंगे TV स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। रियलिटी शो नच बलिया देखने के बाद पता है मेरा मन क्या करता है? मेरा मन करता है कि अपना ये सर मैं दीवार में दे मारूं। नहीं, इसलिए नहीं कि ये शो मुझे पसंद नहीं है, अरे ये तो मेरा फेवरेट शो है, कमाल का शो है। मतलब ऐसी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ना यार कि नच बलिया देखने के बाद लगता है कि मैंने अपना बचपन बर्बाद कर लिया। अगर मुझे पहले पता होता कि नंबर नाचने पे मिल जाते हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत थी। आप सभी लोगों को भी इमोशनल कर दिया ना, है ना? बस तो इसी तरह रोते रहिए और अगली खबर को एंजॉय करिए। 4th क्लास में 33 नंबर आए थे। Da 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 da
रेडी स्टेडी दम लगा के हाइशा Time is up, bus. Some chama. Breaking news, Iron Man.
लेकर आ रहा है एक ब्रांड न्यू शो, बिल्कुल मेरी टी शर्ट की तरह, और इस शो का नाम है आरंभ। कमाल का नाम है यार, और कमाल की बात यह भी है कि इस शो में आपको पुरानी सभ्यताओं की जानकारियां मिलेंगी। एक बात बोलूं, बिल्कुल सही टाइम पे ये शो आ रहा है भाई। अब देखो क्या है ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था हम ये जानना चाहते थे, उसका जवाब तो हमें मिल गया। अब मार्केट में कुछ तो नया हो जानकारी के लिए, क्यों है ना। आइए ऐसे हंसते रहिए और इस शो की एक झलक देख लीजिए। आरंभ हुआ है एक नई कहानी का, आरंभ हुआ है एक राजकुमारी के रानी बनने का। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो, आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जी हाँ, स्टार प्लस पर होने वाला है आरंभ का आरंभ, और जिसकी पहली एक्सक्लूसिव झलक लेकर आए हैं हम आपके लिए। आरंभ की कहानी है एक राजकुमारी देवसेना की, जिसका राज्य अभिषेक पूरे रीति रिवाजों के साथ उसी के पिता ने किया। इस किंगडम में क्वीन इज द रूल ऑफ द किंगडम, किंग जो है क्वीन को सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक मेरी माँ मर चुकी है, इट्स लाइक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टार। सो आई वॉज अ प्रिंसेस, सो लाइक वेरी वाइल्ड चाइल्ड। सो जब मैं नहीं थी, माई आंट मम्मी की बहन, शी वॉज वन हु वॉज लाइक अ टेम्प्ररी क्वीन। सो जब फाइनली इट्स टाइम फॉर मी टू बी मैच्योर। भाई अपनी रानी यानी कार्तिका ने साउथ की दुनिया से निकलकर पहली बार रखा है टीवी की दुनिया में कदम, तो चलिए जानते हैं इनसे कि कैसा लग रहा है इन्हें। मेरा कैरेक्टर का नाम है देवसेना एंड शी इज आउटस्टैंडिंग। सो जब विजेंद्र प्रसाद जी द राइटर ऑफ दिस शो एंड बाहुबली told me the story, I was like blown away and I'm like, मुझे you know कहाँ से ढूंढा आपने, because गोल्डी जी and like people in north do not know about me because I'm from south, I've done movies in south and even though मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, it was like I never tried Bollywood में try नहीं किया, I didn't try in the Hindi industry because I was happy in south। भाई आपको बता दें कि अपनी कार्तिका ने इस रोल के लिए की है काफी मेहनत, लुक से लेकर ज्वेलरी तक और कपड़ों का रखा गया है खासा ध्यान। 2000 years पुरानी स्टोरी है, सो वी couldn't डू मच, बट इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक हमने रॉ सिल्क यूज किया है, विच इज यू नो द मोस्ट एक्सपेंसिव वन इन दैट टाइम, एंड जस्ट फॉर द होल ग्रैंडियर। सो हमारे किंगडम में ज़्यादातर इट्स ऑल गोल्ड एंड वी आर वेरी वाइब्रेंट। यही है द मोस्ट क्या बोलूँ एलैबोरेट लुक, बिकॉज मेरे नॉर्मल लुक देवसेना की नॉर्मल लुक लाइक एपिसोड्स में शी इज़ नॉट सो डेक्ड अप, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्पोर्टी प्रिंसेस। मेरे हेयर स्टाइल्स भी बहुत सिंपल ही रहेंगे, इट्स ऑल ओपन है, कुछ एलैबोरेट जनरली यू नो वो जमाने यू नो बहुत पुराने जमाने दे विल हैव अ लॉट ऑफ वेग एंड ये वो सब, थैंक गॉड नहीं है। सो इसमें लाइक मैक्सिमम शी हैव वन पट्टा अराउंड हर फोरहेड, विच इज द स्पोर्टिव लुक शी हैज। आपको बता दे कि रजनीश दुग्गल भी आएंगे नजर, जो निभा रहे हैं वरुण देव का किरदार। भाई सीरियल के राइटर हैं अपने बाहुबली के लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद, और सीरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने गोल्डी बहल, और इस सीरियल से टीवी पर नजर आने वाली है गोल्डन एरा की बेहतरीन एक्ट्रेस तनुजा भी। तो कुल मिलाकर ये सीरियल है अपने आप में ही काफी बड़ा, क्योंकि कास्ट एंड क्रू के साथ इसमें लगा है काफी हाई बजट वाला पैसा। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तो इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। नमस्कार जी, ब्रेक लेने का टाइम तो मेरा आ गया जी। सही बात है सर, वैसे ब्रेक लेने का टाइम तो आप ही का आ गया है। आपके लिए दो लाइनें अर्ज कर दूं मैं? करो जी। अगर आ गया हो तो? बिल्कुल जी आ गया जी। करता हूँ इनके लिए स्पेशली। कि तन्हा ही चला था मैं दही जमाने, आय हाय वाह, तन्हा ही चला था मैं दही जमाने, वाह, बूंदियां मिलती गई रायता फैलता गया। आपने विश्वास तोड़ा है जी। 23 मई है बेहद खास, बूझो तो जाने मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे, या सी मदर्स डे? बीटीडीडी स्पेस देकर अपना जवाब
ए बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर एसएमएस कर दें 51818 पर। तीन लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। तेईस मई है बड़ा ही खास, बूझो तो जाने मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे। बीटीडीडी स्पेस देकर अपना जवाब ए बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर एसएमएस कर दें 51818 पर। तीन लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। मेरी खासियत है कि मैं सिर्फ एक लाइन में फटाफट खबरें सुना देता हूँ, तो मेरी इस काबिलियत को देखते हुए किसी ने मुझसे सवाल पूछा है कि देवर क्या तुम एक लाइन में शादी का वर्णन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शादी क्या है? शादी एक सफर है जो अजी सुनते हो से शुरू होकर बहरे हो गए हो क्या पे खत्म होता है। एक लाइन शॉर्ट एंड फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले चलते हैं दिल से दिल तक के सेट पर, जहां टेनी को इच्छा होती है चिप्स खाने की। लेकिन इससे पहले कि शोरबरी और पार्क लेकर आते हैं उसके लिए चिप्स, अमन मुंबई जाकर स्पेशली टेनी के लिए ले आया है टोकरी भर का चिप्स, जिसे देखकर शोरबरी को हो जाता है यकीन कि अमन करता है टेनी से सच्चा प्यार। फटाफट खबरों में अगली खबर है कुछ रंग प्यार के किस सेट से, जहां लूडो के खेल में हो जाती है चीटिंग और गोलू वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। दरअसल सोहा को खेल में मनचाहा नंबर दिलाने के लिए देव करता है चीटिंग, जिसके लिए वो बता देता है गोलू का ध्यान, साथ ही पलट देता है सोहा का पासा। लेकिन सोहा नहीं मानती इसको फेयर गेम और बता देती है गोलू को सच, जिससे नाराज होकर गोलू खेल छोड़कर चला जाता है। फटाफट खबरों में आखिरी खबर है तू सूरज में सांच पिया के सेट से, जहां पर दुकान के कागजात मिलने के बाद कनक हो जाती है रफ चक्कर। 23 मई है बड़ा ही खास, बूझो तो जाने मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे। बीटीडीडी स्पेस देकर अपना जवाब ए बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर एसएमएस कर दें 51818 पर। तीन लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। देवर गद्दार है, देवर गद्दार है, देवर गद्दार है। भाभी जी, ये सब चल रहा है देश में, बताओ मुझे गद्दार कह रहे हैं लोग। अरे हुआ क्या ना, मैंने अभी तक बाहुबली 2 नहीं देखी है और लोग तो मुझे ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं जैसे कि मुझसे कोई पाप हो गया हो। पाप नहीं, पाप का पाप है ये। यार अब तो इन्होंने भी बोल दिया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। खैर भाभी जी, फिलहाल तो वक्त हो गया जाने का, आप लोग जाइए, कल फिर मुलाकात करूंगा भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ बाहुबली 2 देखने के लिए। कटप्पा। भाभी तेरा देवर दीवाना।